हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ द वर्ल्ड सिंस 1945 टू टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट द कोल्ड वॉर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. देन वी स्टडीड अबाउट द यूएन एंड देन वी स्टडीड अबाउट द यूनाइटेड नेशन. देन सर्टन फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर कैसे एंड हुआ एंड सर्टन ट्रीटीज सर्टन अलायंसेस वेर मेड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. वी सॉ ऑल दिस इन आवर नाइन्थ चैप्टर. नाउ इन दिस वी विल स्टडी वॉट हैपन आफ्टर कोल्ड वॉर. राइट, कोल्ड वॉर ख़त्म होने आया या फिर कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो रहा था तब क्या क्या हुआ. वॉट चेंजेस टू प्लेस इन द इंटरनेशनल ट्रीटीज इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड ऑल वी आर गोइंग टू लुक दैट इन दिस चैप्टर. We studied the development since 1945 in the earlier chapter. देखो अपन ने पढ़ा था, we studied the development since 1945 in earlier chapter. We say now the Cold War began in Europe. See what we said, the Cold War began in Europe. We also saw the development that took place in Asia. अपन ने development देखा जो Asia में हुआ. Let us now see the development in since 1959. Now we are going to look at the development that took place in 1959 to 1962 shifts in Cold War. The Camp David summit began a new era in Cold War. The Camp David summit began a new era in Cold War. ये Camp David में क्या हुआ था, President of Soviet Union and President of United, ये दोनों मिले थे. राइट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, बोथ दे मेट एट द डेविड कैंप और उन्होंने दे स्पोक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स इश्यूज एंड थोड़ा सा कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन था. इट केम टू एन एंड ओवर ईयर. और ये जो डेविड कैंप था, इट टुक अ न्यू ईरा इन द कोल्ड वॉर. द मीटिंग हैड सॉट टू क्रिएट गुडविल बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर एडवर्टाइजरी. ये मीटिंग का एम क्या था, दोनों कंट्रीज के बीच में गुडविल हो जाए एंड वॉर जैसा सिचुएशन खत्म हो जाए. हाउएवर टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन कंटिन्यू टू एक्सेलरेट. बट जो टेंशन था ना यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन के बीच में, वो थोड़ा सा कंटिन्यू के कम हो रहा था. इन 1961 द सोवियत स्टार्टेड टू इरेक्ट द बर्लिन वॉल. 1961 में क्या हुआ, सोवियत ने बर्लिन वॉल बनाना चालू कर दिया. दिस वॉल वर्चुअली कट ऑफ द सिटी ऑफ वेस्ट बर्लिन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. अभी बर्लिन वॉल आ गया, बर्लिन वॉल की वजह से क्या हो गया, ये जो सिटी था ना वेस्ट बर्लिन, ये जो रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्टेड था, बहुत सा रूट उस पर उधर से ही जाता था, तो उन्होंने वॉल बांध दी बर्लिन वॉल बर्लिन सिटी के उधर. इसका जैसे क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द सिटीज़ के साथ उनका कनेक्शन कट हो गया. पीपल कुड नॉट ट्रैवल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन. नाउ इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बर्लिन. फैमिलीज एंड फ्रेंड्स वेर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर. अब ये वॉल आ गई तो फैमिलीज फ्रेंड्स इन लोगों का मिलना जुलना भी सब कम हो गया, सबके बीच में से रिश्ता ही खत्म हो गया. ऐसे हो गया बिकॉज दिस वॉल क्रिएटेड एन ऑब्स्टेकल बिटवीन कंट्रीज. इन 1962 सेम द कुबा मिसाइल क्राइसिस. 1962 में क्या हुआ, कुबा मिसाइल क्राइसिस केम हियर. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर. ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट था कोल्ड वॉर का, दैट इज द कुबा वॉर. सोवियत यूनियन प्लेस्ड मिसाइल्स इन कुबा दैट वेर अ डायरेक्ट थ्रेट टू द यूएस. अभी सोवियत यूनियन ने क्या किया, सोवियत यूनियन ने मिसाइल्स प्लेस कर दी कुबा में. इसकी वजह से क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट को एक बहुत बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि अगर मिसाइल्स छूटे या कुछ भी हुआ मिसाइल को, सीधा वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही आके कर आएंगे एंड इट वुड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो व्हाट हैपेंड, पहले तो क्या किया, सोवियत यूनियन ने बर्लिन वॉल बना दी. सेकेंड थिंग, इट केम अप विद द कुबा मिसाइल्स और इन दोनों से क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स को खतरा बढ़ गया. अमेरिकन रिटेलाइज्ड विद द नेवल ब्लॉकेड ऑफ कुबा. अब अमेरिकन ने क्या किया, कुबा के उधर नेवल फोर्स से वो बढ़ा दी, वो और अच्छी कर दी. दिस वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द कोल्ड वॉर राइवल.
अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रंटेशन था बिटवीन द कोल्ड वॉर राइवल। अब ये अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, इसकी वजह से क्या हो गया, कोल्ड वॉर और ज़्यादा ऐसे सीरियस हो गया। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम सिंस 1945 अमेरिका एंड सोवियत नेवल शिप फेस्ड ईच अदर एंड देर वॉज अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉर। अब 1945 तक क्या हुआ था, अमेरिका और सोवियत यूनियन के शिप दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे और दोनों के बीच कब वॉर हो जाए ये किसी को भी पता नहीं था। देर वॉज ऑलवेज अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन ईच अदर। इट वॉज क्लियर दैट सच अ वॉर वुड बी अ न्यूक्लियर वॉर। अब दोनों के शिप एक दूसरे को हमेशा फेस करते थे, एक दूसरे को क्रॉस होते थे, कब उसकी वजह से वॉर हो जाए नो वन नोज। अगर दोनों में और दोनों में क्या था, वॉर का फियर हमेशा बना रहता था एंड इट वुड लीड टू अ न्यूक्लियर वॉर। दिस फोर्स द टू कंट्रीज टू रिड्यूस टेंशन। अब दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन कम होना ज़रूरी था। द सिचुएशन वॉज डी एस्केलेटेड आफ्टर द सोवियत विड्रू द मिसाइल्स फ्रॉम कूबा। अब ये वॉर जैसा सिचुएशन दोनों कंट्री में था, अब ये वॉर जैसा सिचुएशन दोनों कंट्री से कब कम हुआ, जब सोवियत यूनियन ने कूबा से मिसाइल्स सारे हटा दिए। नाउ व्हाट इज अ नेवल ब्लॉकेड? अ नेवल ब्लॉकेड इज प्रोहिबिटिंग शिप्स फ्रॉम एंटरिंग अ पोर्ट और अ कंट्री। दिस इज डन बाय यूजिंग द नेवी। द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एस्टैब्लिश अ ब्लॉकेड अराउंड द आइलैंड टू प्रिवेंट एनी ऑफेंसिव वेपन्स फ्रॉम एंटरिंग कूबा। Another important development took place in the third war in the 1960s. अभी another important development took place in third war, that is in 1960s. In 1961, the first non-allied summit conference was held at Belgrade. In 1961 में क्या हुआ था, non-alignment conference हुआ था which was held in Belgrade. The concept of non-alignment was based on two important principles. अब ये जो non-alignment का concept ये जो था, it was based on two principles. जो concept आया था non-alignment का, ये दो principle पे based था. First is independent understanding of world affair and peace approach. एक तो क्या था, independent understanding of the world affair and peace approach. लाइक हर कंट्री के इंडिपेंडेंट का आप ध्यान रखना है और सब कुछ शांति से करना है। दस द नॉन अलाइड कंट्रीज वेयर टू स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड वॉर अलाइंसेस। जो कंट्री नॉन अलाइड मूवमेंट में शामिल होती है, नॉन अलाइड कंट्री जो सब मिलके बनाते हैं, वो कोल्ड वॉर में शामिल नहीं होंगे। कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा था, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट, वो दोनों में से किसी कंट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे। लाइक द नॉन अलाइड कंट्रीज वुड स्टे अवे फ्रॉम द कोल्ड वॉर अलायंसेस। नॉन अलाइनमेंट एज अ मूवमेंट ग्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज न्यू कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट एंड ज्वाइन द मूवमेंट। अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या हुआ, धीरे 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 बढ़ता गया, क्योंकि क्या हुआ था, उस वक्त बहुत से कंट्रीज को इंडिपेंडेंट मिले थे, बहुत से कंट्रीज को इंडिपेंडेंट मिले थे, सो दे डोंट वॉन्ट टू बी इन एनी ऑफ द कोल्ड वॉर अलायंसेस एंड हेंस दे ज्वाइन द नॉन अलाइन मूवमेंट। और इस तरह से नॉन अलाइन मूवमेंट फेमस होता गया। द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन दैट स्टेट वुड रिमेन पैसिव एंड न्यूट्रल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब नॉन अलाइन मूवमेंट का मीनिंग क्या है कि बाबा हम लोग किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, वर्ल्ड अफेयर में कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज में पार्ट नहीं लेंगे, ऐसा नहीं था। नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग क्या था कि बाबा हम वॉर में किसी के साथ नहीं करेंगे, बट अपन इंटरनेशनली पॉलिटिक्स जो भी है उसमें अपन काम करेंगे, विल टेक केयर ओवर देयर। दस द नॉन अलाइन कंट्रीज वेयर टू स्टे अवे फ्रॉम द कोल्ड वॉर अलायंसेस। नॉन अलाइनमेंट एज अ मूवमेंट ग्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एज अ न्यू कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट एंड ज्वाइन द मूवमेंट। बहुत से कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए और उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया। द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन दैट द स्टेट वुड रिमेन पैसिव एंड न्यूट्रल इन द इंटरनेशनल पॉलिसीज। इट वॉन्टेड द स्टेट
टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड अफेयर टू प्रमोट पीस एंड डेवलपमेंट. उनको क्या था, उनको दे वॉन्टेड द स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड अफेयर सो दैट दे कैन मेन प्रमोट द पीस एंड डेवलपमेंट. मेन एम क्या था, वो पीस दे विल टेक पार्ट इन प्रमोटिंग पीस एंड डेवलपमेंट, बट वो दोनों में से किसी के भी कोल्ड वॉर अलायंस नहीं ज्वाइन करेंगे, तो दैट वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जब भी वॉर को दे वोंट पार्टिसिपेट इन दैट वॉर. बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, दे विल टेक इन द पीस पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड. जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, गर्मल अबुल नासर ऑफ इजिप्ट, कुवेर निकाबू ऑफ गाना, सुबाको ऑफ इंडोनेशिया एंड जोसेफ ब्रॉज टिबो ऑफ यूगोस्लेविया वेर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. अब हु वेर द मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, गवर्न अबुल नासर ऑफ इजिप्ट, क्वाने निकाबू ऑफ गाना, सुकारो ऑफ इंडोनेशिया एंड जोसेफ ब्रॉज टिबो ऑफ यूगोस्लेविया वेर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. मतलब बेसिकली इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लेविया, ये लोग सब द दे वेर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट. द नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज़ ग्रोन ओवर द पास्ट 50 ईयर्स. अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, 50 साल से ग्रो हो रहा है. द मूवमेंट हेल्ड द डेवलपिंग वॉर टू गेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स. द मूवमेंट क्या हुआ, दिस मूवमेंट हेल्प द डेवलपिंग कंट्री, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज को इसका बहुत मदद हुआ फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स. टुडे द मूवमेंट फेस्ड मेनी चैलेंजेस. आज वो मूवमेंट के पास क्या था, आज वो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इट फेस्ड मेनी चैलेंजेस. दिस इंक्लूड एलिमिनेटिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स, वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग द UN मोर इफेक्टिव एक्सेट्रा. अभी इनका क्या काम करते हैं ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या क्या काम करने की, मेक श्योर कि बाबा कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यूज़ नहीं करेगा. क्या होगा अगर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स अपन यूज़ करेंगे, तो इट वुड लीड टू अ एनीवे वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा और वॉर हो जाएगा. अपने को वॉर तो करना है नहीं. देन ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, हर किसी को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए. देन वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग द यूनाइटेड नेशन मोर इफेक्टिव. सी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म सो दैट देर इज अ टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी. UN को हेल्प करेंगे अपन अच्छे से काम करने के लिए, क्योंकि UN का एक मोटो, एवरी वन वॉज क्लियर विद द यूनाइटेड नेशंस मोटो, दैट वॉज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी. अगर अपन उसका साथ देंगे तो वो और अच्छे से काम करेगा UN. सिंस द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एट बलग्रेड, द मूवमेंट हैज़ हैड रेगुलर सबमिट मीटिंग. अभी पहला कॉन्फ्रेंस बलग्रेड में हुआ था, उसके बाद रेगुलर मीटिंग होती रही, हर मीटिंग में नए नए पॉइंट्स आते गए. द मूवमेंट बिगैन विथ 25 मेंबर्स एट बलग्रेड्स इन 1961. अब ये मूवमेंट कैसा चालू हुआ, द मूवमेंट बिगैन विथ द बलग्रेड्स, द मूवमेंट बिगैन विथ 25 मेंबर्स इन 1961. टुडे इट हैज़ 120 मेंबर्स. पहले कितने थे, सिर्फ 25 मेंबर्स थे नॉन अलाइंट मूवमेंट में, अब कितने हैं, 120 मेंबर्स है उसके. नाउ वी रीड दिस, विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड, आई थिंक वी फॉरगॉट दिस, डू यू नो द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. मोस्ट ऑफ दिस कंट्री हैड बीन कॉलोनियल इन द पास्ट, दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब एज डेवलपिंग, लेस डेवलप और लीस्ट डेवलप कंट्री. दिस इज बिकॉज दे हैव अ स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो लिटरेसी रेट एंड हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन. मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव जॉइंड द नॉन अलाइड मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकनॉमी अलाइड द यूनाइटेड स्टेट्स वे डिस्क्राइब एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, and the Eastern Socialist Economy allied with the Soviet Union were referred to as a Second World War. Now, which countries can be considered as a non-aligned? The following criteria were adopted at the Belgrade Conference in 1961. Criteria for the non-alignment. The country should have adopted an independent policy based on the coexistence of the states
a different political and social system. Then the support national independence movement. It should not be a member of multilateral alliances concluded in the context of Cold War. मतलब मल्टीलेटरल अलायंसेस यानी जो कोल्ड वॉर से बचने के लिए कोल्ड वॉर से रिलेटेड जो अलायंसेस बना रहे थे लाइक नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक पैसिफिक ट्रीटी एंड ऑल उसके में आप लोग कोई शामिल नहीं होंगे अगर आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शामिल हो बना रहे हो तो. इट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द बायलैटरल मिलिट्री अलायंसेस. बायलैटरल मिलिट्री अलायंसेस लाइक ना सोवियत यूनियन के ना यूनाइटेड स्टेट के आप मिलिट्री अलायंसेस में पार्टिसिपेट करोगे और एनी रीजनल डिफेंस पोएट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट्स. इट शुड नॉट कॉन्क्रीट मिलिट्री बायस टू फॉरेन पावर्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी. इन शॉर्ट इन सब में क्या है आप किसी भी नॉन अलाइन अगर आप नॉन अलाइन मूवमेंट के इफ यू आर टेकिंग पार्ट इन नॉन अलाइन मूवमेंट आप ये जो अलायंस कोल्ड वॉर चल रहे हैं किसी भी कंट्री को हेल्प नहीं करोगे जो कोल्ड वॉर से रिलेटेड है या फिर मिलिट्री अलायंसेस में भी कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे. फेज 1962 टू 1972 दैट इज द फाउंडेशन. द इम्पैक्ट ऑफ द कुबा क्राइसिस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कोल्ड वॉर वॉज ट्रिमेंडस. अभी कुबा क्राइसिस का जो प्रोग्रेस हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा था. It brought in a realization of a possibility. It brought in a realization of the possibility nuclear configuration and the need to disclarate the tension. अभी मिसाइल से सब पता चल गया तो अब क्या हो गया न्यूक्लियर कितना है उनके पास न्यूक्लियर ताकत की पता चल गया ना उनका न्यूक्लियर ताकत के बारे में अपने को आइडिया आ गई. The United States and the Soviet Union took several attempts efforts to reduce bilateral tension. अभी इन दोनों ने क्या किए बहुत सारे efforts लिए लाइक यूनाइटेड नेशन सोवियत यूनियन दे टुक मैनी एफर्ट्स सो दैट दे कैन रिड्यूस द टेंशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज. द टू कंट्रीज एस्टैब्लिश द हॉटलाइन एज द डायरेक्ट फोनेटिक लाइन बैक में. The two countries established the hotline as a direct telephone line between themselves. अब दोनों countries ने क्या किया और direct telephonic line बना दी so that they can have contact with each other. The purpose of this hotline was to make a direct telephone conversation between the two leaders in times of the crisis. अभी hotline क्यों बनाई so that they have a direct telephone control. So that they have a direct telephone control. एंड ड्यूरिंग अगर वॉर जैसा बहुत ज़्यादा सिचुएशन हुआ है वॉर जैसा बहुत ज़्यादा सिचुएशन हुआ है तो दे कैन कॉन्टेक्ट एंड दे कैन सॉल्व द इशूज सो दैट किसी पर बहुत ज़्यादा असर ना हो. वेरियस एग्रीमेंट्स वेर ऑल्सो साइन टू रिड्यूस द न्यूक्लियर वेपन. बहुत से एग्रीमेंट्स भी बनाए थे ताकि न्यूक्लियर वेपन कम से कम यूज हो. इन 1972 द अमेरिकन प्रेसिडेंट Richard Nixon and the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, Ricardo Brzezinski, met at Moscow. See, American President Richard Nixon and General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, Leonid Brezhnev, met at Moscow. This meeting was significant as it began the process of reduction of tension. ये जो meeting था, that was a important that played a important role in the process of reduction of tension. जब ये लोग सब मिले तो क्या हुआ ये थोड़ा सा टेंशन कम करने का एक जो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था वो टेंशन कम हो गया था यहाँ पे. An important agreement was signed to limit the nuclear missiles that the two country had. अब दोनों कंट्री के पास क्या था बहुत ज़्यादा मिसाइल्स थे न्यूक्लियर मिसाइल्स थे. नाउ द एफर्ट्स वेर मेड टू सी दैट कि बाबा दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा है एंड इट शुड हैव सम कंट्रोल ओवर देयर न्यूक्लियर वेपन्स. तो एफर्ट्स वेर मेड एन इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट सॉरी इन 1972
Moscow summit meeting signaled the beginning of the era of the detention. अभी मॉस्को इन 1972 में क्या हुआ, मॉस्को समिट मीटिंग, उसके अंदर क्या हुआ, एक नया इरा शुरू हुआ, दैट इज डिटेंटी. नया इरा डिटेंटी मतलब सब कुछ धीरे धीरे कम हुआ. डिटेंटी मीन्स रिडक्शन ऑफ टेंशन. सी डिटेंटी मीन्स यहाँ पे टेंशन धीरे धीरे कम होना. द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन ट्राइड टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन देमसेल्फ. अब क्या हो गया, यहाँ पे टेंशन कम हो रहा है यूनाइटेड नेशन में एंड सोवियत यूनियन का टेंशन धीरे धीरे कम हो रहा है. द अनदर सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द ब्रेक थ्रू इन रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड चाइना. एक और इवेंट क्या था, देर वॉज अ ब्रेक थ्रू, एक रिलेशन में एक ब्रेकआउट आया बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना. इन दोनों के रिलेशन में एक ब्रेक थ्रू मिला. द यूनाइटेड स्टेट had not recognized the communist government of China since the time of the Chinese Revolution of 1949. अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ने क्या है, यूनाइटेड स्टेट को पता ही नहीं चला कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और चाइना में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हो रहा है. कब, 1949 तक. President Richard Nixon visited China in 1972. Now, President Richard क्या हुआ? He visited China in 1972. Now, by visiting China in 1972, the United States had recognized the communist government of China. जब ये President 1972 जब ये President China में गए, तब उनको पता चला कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो कैसे क्या काम कर रहे हैं. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट टू चाइना आफ्टर चाइना बिकेम कम्युनिस्ट. और ये पहला विजिट था अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना की तरफ, और तब उनको पता चला चाइना हैड अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. नाउ द नेक्स्ट फेज दैट इज डिटेंटी विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.